तो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगी। हेलो दोस्तों, एक्चुअली बहुत दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि अरे यार घर पे रह के कैसे कोई ब्लॉग बना सकता है, घर पे क्या कंटेंट मिलेगा, मैं बाहर जा भी नहीं रहा था। तो शायद 1.5 महीना हो गया मैं मेरे दोस्त लोग से नहीं मिला, चिंतित आया है और मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ। वो बोला कि भाई इतने दिन से नहीं मिले, मिलते हैं, और बिजू भी आ रहे हैं, उनको कुछ काम है, स्टेशन जाना है उनके भाई को छोड़ने, तो चलो उसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगा और हम गांव का नज़ारा भी देख लेंगे कि अभी बारिश के मौसम में कितना हरियाली है गांव में, क्योंकि जहां हरियाली वहां खुशहाली। ये सब मिट्टी मिट्टी दिखता था, लेकिन अभी बारिश के मौसम में मेरे घर के सामने कितना हरियाली है। ये है खजूर का पेड़। एक्चुअली मेरा गाड़ी बाहर निकलने के लिए कोई प्रॉपर वे नहीं है, देखिए ये जो रास्ता है, इधर से होके मैं इधर होके मैं इधर मेरा गाड़ी निकल जाता, मेरा जीप, लेकिन बारिश के मौसम में क्या हुआ, इतना हवा चला कि ये जो पेड़ है ये पेड़ गिर गया और ये जो घर है ये भी टूट गया। तो अब मैं कैसे गाड़ी निकालूंगा वही सोच रहा हूँ। बीच में आए हैं हम, जा रहे हैं चिड़ के पास, बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रहे हैं। कैसा लग रहा है बाहर निकला बहुत दिनों बाद? आज तो मौसम ठीक ठाक है, जाएंगे थोड़ा घूम घाम के आएंगे, बहुत दिन हुआ घूमने नहीं गए थे। तो घर पे बैठ बैठ के बोर हो जाता है, कितना अरे घर पे कितना रहो गए, थोड़ा बहुत बाहर घूमना भी चाहिए। आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कितना हरियाली है चारों तरफ। असर है देखो पूरा सज धस के आज जा रहे हैं लड़की देखने। ये देखिए आकाश को और पेड़ देखिए, मेरा डिट्टो ऐसा पेड़ है तो डीडा डीडा कौना बोल कहाँ कौन सी कहाँ बसता है बारात सीधा कर जाओ तो पंखा नहीं होगा। ये देखिए ये फूल, हम जब मतलब हाई स्कूल के टाइम में कॉलेज टाइम में इसे खिला करते थे, इसमें मस्त लगता है ये चीज़, कदम का फूल, हम ओडिया में इसको कदम्बा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, लेकिन हम हाई स्कूल के टाइम में कॉलेज के टाइम में इससे खिला करते थे, मस्त दिखता है। आज पूरा वीडियो इधर ही हो जाएगा, हमारे राजू भाई भी आ गए, ये हम सब बोलते रहते मुझे कोई वीडियो में मत दिखाओ, वीडियो में दिखाओ, चलो आज दिखा दिया। राखोल जाने का प्लान हो गया कैंसिल, फिर लोग उधर है वो भी जा रहे हैं घर, आकाश से चल रहे हैं घर और हम भी जा रहे हैं घर। ऐसे ही ब्लॉग नहीं बन पाता, क्या कर सकते हैं। साइकिल से आया गुरी, साइकिल से रे रांची से राहुल केला तेरे लिए। देखिए मुझे रास्ते से क्या मिले, ये कुछ गोल गोल गांव, पूरा तो गोल नहीं है लेकिन लगभग गोल दिख रहे हैं और अंडे की तरह दिख रहे हैं, मजा आ गया। ऐसे भी बहुत दिन हो गया था कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा था मैं, आखिर घर में बैठ बैठ के इंसान आपको क्या दिखाएगा कि कंप्यूटर के सामने काम कर रहा है, थोड़ा बाहर निकलने से कुछ जलवे सलवे दिखाएंगे आपको, कोई जला वला नहीं है बस ऐसे ही। चलिए आपको गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। पहले मुझे दूर जाना पड़ता था, मतलब लगभग आधा किलोमीटर मार्केटिंग के लिए, और मैं बता दूँ आपको कि मंडे के दिन यहाँ हमारा मार्केट होता है, हमारा वीकली मार्केट, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की मेहरबानी, हमारे घर के सामने ही मार्केट है, अब सब कुछ घर के सामने ही हो जाता है, मिल जाता है, घर से बाहर निकलो मार्केटिंग कर लो चल जाओ घर, ज़्यादा टेंशन नहीं, अच्छा हुआ है चीज़। मार्केटिंग हो गया ख़त्म, अब चलते हैं जनान प्रसाद, आज बहुत धूप है। ये रहा हमारा सामान, पनीर, मशरूम, ग्रीन मटर, सब कुछ है, और लाइफ में हर हम पहली बार हम सादे में जा रहे हैं, आज हम प्योर भेज में खाना खाएंगे, पकाएंगे, जो भी करेंगे, आज नॉनवेज बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जो पार्टी होता है खास नॉनवेज के लिए होता है, लेकिन पहली बार आज मैं रिक्वेस्ट पे नॉनवेज नहीं हो रहा है। मंत्रा भाई भी आ रहे हैं पूरा स्टाइल में और नींबू, हम आज नींबू का अचार ही बनाएंगे और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं नींबू का अचार। नदी में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से ले रहे हैं जो कि सोलर से चलता है। हम हमारे पुराने जगह पहुँच गए हैं
लगभग 2 महीना हो गए तब से कोई पार्टी नहीं हुआ था। अब ये मत बोलने लगना कि इसको फूड चैनल बना दो। मशरूम और पनीर सब थोड़ा कड़क हो गए हैं, फ्रिज में था तो थोड़ा धूप में रख देते हैं इसको, फिर काटेंगे। नहीं तो अभी इसमें इसके अंदर घुसेगा भी नहीं कुछ काटने के लिए। पहली बार हो रहा है ये भेज पार्टी। हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है फ्राई करते वक्त। ये जो हम चिली फ्राई कर रहे थे, सॉरी क्या बोलते हैं, मशरूम फ्राई कर रहे थे, वो तेल के साथ गिर गया नीचे। देखिए गिर गया, ये जो ये थोड़ा ठीक से नहीं था, जो पत्थर थे ठीक से बैठे नहीं थे तो गिर गया, क्या कर सकते हैं। तो धंजे आ रहे हैं तेल लेके, फिर होगा कार्यक्रम। खा लो भाई, केंता लागु छे गानो बाबू आज लेट ओसन नि बोले ताकर अफसोसता में फिलो कर दियो। सोचा कि एक क्विक अपडेट दे देता हूं। हम इतने दिन किए हैं जो भी करते हैं हम बस नॉनवेज करते हैं, पहली बार वेज कर रहे हैं। और ये जो देखिए मुझे रास्ते से क्या मिले, ये कुछ गोल गोल गम, पूरा तो गोल नहीं है लेकिन लगभग गोल दिख रहे हैं और अंडी की तरह दिख रहे हैं। मजा आ गया। मशरूम जो फ्राई हुआ है क्या टेस्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है जब हम इसको चिली बना देंगे और ज़्यादा भी टेस्ट लगेगा। बीच में हम ट्राई करेंगे आज से, अच्छा लग रहा है। पानी चाहिए ऐसे हमें पकौड़ा के लिए, तेल चाहिए जो कि धंजे भाई लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब आ गए हैं, समीर भी आ गए हैं, मामू, अंतरा भाई, धनंजय, ज्ञानो, आकाश। मैं बर्थडे बॉय कैसे भूल गया। हैप्पी बर्थडे अंकल, हैप्पी बर्थडे अंकल। भारी ट्रेजेडी, तो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कोई। भारत माता की जय। काम अपना भी हो गया, थोड़ा साफ सफाई हो रहा है, सब कुछ अच्छे से गया। वीडियो को ही समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। उम्मीद है कि आपसे वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल से कमेंट करिए, इसके साथ में चैनल सब्सक्राइब ना भूले। ज्ञान बैकग्राउंड में कुछ बोल रहा है, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।